नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब वैकेंसी अपडेट्स के अंदर। और आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूं, जो कि निकल के आ चुका है हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट के बारे में, और जिसके अंदर 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक रिक्रूटमेंट अपडेट आपके मोबाइल में मिलते रहेंगे और समय रहते आप इनके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। वैकेंसीज की बात करूं तो और बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको आपके मोबाइल में मिलता ही रहेगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पर जाके बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले बात करूं तो हाई कोर्ट की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है वो आउट किया गया है, और इसके लिए जो है आप ऑल इंडिया कहीं से भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 26 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 8 मई से इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी के साथ 23 मई 2023 इसकी लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 118 पोस्ट जो है वो आउट करी गई हैं। वैकेंसी डिटेल की बात करूं तो इसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, जिसके लिए 21,700 से लेकर 69,100 आपकी सैलरी रहने वाली है। ग्रुप डी के लिए 15,700 से लेकर 50,000 आपकी सैलरी रहेगी। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी की बात करूं तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कैंडिडेट की हुई वो अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्यूटर की नॉलेज आपको है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 10th पास ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसके लिए आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, और प्लस इसके साथ आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है जो ग्रुप डी में आपका हो सकता है या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। अब बात करते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी की, तो जो LDA की पोस्ट है उसके लिए 600 रुपीज़ आपको जो पे करने होंगे अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट रहे हैं तो, और इसी के साथ आपको 300 रुपीज़ पे करने हैं ग्रुप डी के लिए अगर आप जनरल OBC EWS रहेंगे, और SC ST एक सर्विसमैन को पे करने हैं 300 रुपीज़ लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, और इसी के साथ 150 रुपीज़ ग्रुप डी के लिए। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन इन्वाइट करी गई हैं, कोई भी अदर मोड नहीं है, और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसके दे दिए हैं, आप जल्दी से जाके चेक कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन ऑल इंडिया से है, 10th 12th कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ज़रूर से अप्लाई करिएगा। बाकी भी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ रहिएगा हमारे साथ, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप किस एरिया से हैं, ताकि मैं सारे अपडेट्स आप तक पहुँचाता रहूँ। तो ये था आज का नोटिफिकेशन, मिलते हैं हम नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।